नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखे 5 से 12 वर्ष के मासूम समर्थक। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखे 5 से 12 वर्ष के मासूम समर्थक। इन मासूम समर्थकों को पार्टी के पदाधिकारियों ने झंडे और कांग्रेस की टोपी भी दे रखी थी और ये सभी राहुल गांधी और जिले के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तनुज पुनिया के नारे लगाते नजर आए। दर्जनों बच्चों को स्कूल की पढ़ाई छुड़वाकर राजनीतिक रैली की शोभा बढ़ाने के लिए लाया गया था, जिनका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार में कर रही थी। इस पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस द्वारा बच्चों को इस्तेमाल करने पर न सिर्फ विरोध जताया बल्कि चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात भी कही है। बाराबंकी में राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के निर्देशों को ताक पर रखकर जमकर खिलवाड़ कर रही हैं। दरअसल बाराबंकी और अमेठी की सीमा पर आयोजित जनसभा में कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी को जनसभा में आना था और कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए बच्चों को बुलाया गया। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के कृत्य का विरोध जताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेकर कार्यवाही करने की मांग की है। हैदरगढ़ से सुंदरम सिंह की रिपोर्ट। आप जानते हैं पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं हिंदुस्तान के अरब पतियों का कितना कर्जा माफ किया है कोई जानता है? 5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। मतलब आपका पैसा चोरी करके आपकी जेब से निकालकर मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी के जेब में डाला है। राफेल घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के एयरफोर्स से चोरी करके नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में जेब में डाला है। चौकीदार चोर। अब देखिए, सुनिए सुनिए, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उसे कहा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगा, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है 1,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, वापिस नहीं दिया, जेल से बाहर है। देखा आपने, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए ले गया, जेल से बाहर है। मगर अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी जेल में जाओगे आपको दिखेगा कि वहां पे किसी किसान ने 20,000 रुपए का कर्जा लिया, वापस नहीं दिया, उसको जेल में डाल दिया। किसान को 20,000 रुपए कर्जा ना लौटाने पे जेल में डाल देते हैं और अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ ना लौटाने पे और पैसा देते हैं। वो जेल के बाहर बैठता है, हमारे किसान जेल के अंदर होते हैं। आपको ये सही लगता है? आपको ये न्याय लगता है क्या? गलत लगता है ना? तो आप सुनिए, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है 2019 के बाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो कोई और प्रदेश हो, हिंदुस्तान के किसी भी किसान को कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा। हिंदुस्तान के बैंक में डालो, काले धन के खिलाफ लड़ाई है। उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के चोरों को देखा? खड़ा था उस लाइन में कोई चोर? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी कोई खड़ा था लाइन में? नहीं, गरीब जनता खड़ी थी, आप लोग खड़े। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। UFT न्यूज 24 से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।